हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आने वाले 12 आवर्स के अंदर आपके लव लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर हैं। जिनको भी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, करियर में प्रॉब्लम है, तो क्लैरिटी लेने के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे आपको रेजोनेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है किसी और के लिए मैसेज है, तो ऐसा होता है जनरल रीडिंग, ठीक है। लेकिन जो पर्सनल रीडिंग होता है वो हम आपसे रेजोनेट करेगा ही करेगा, ठीक है। आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगा कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है आपके करियर में, लव लाइफ में, ओके। तो चलिए देखते हैं आने वाले 12 आवर्स के अंदर। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में 12 आवर्स के अंदर क्या आ रहा है, आने वाले 12 आवर्स में क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। प्लीज एंजल गाइड करें। जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके तरफ, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है आने वाले 12 आवर्स के अंदर। 12 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है, बहुत सारे कार्ड्स हैं। 12 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है, 12 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है, 12 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है। न्यू बिगिनिंग, जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है वहाँ से बाहर आने के लिए कोई ना कोई एक्शन यहाँ पर लेंगे। सन का कार्ड है और पैशनेट रहेंगे आपके प्रति, आपके तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे आपके पर्सन। नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या हो सकता है, ये कार्ड अनफोल्ड हो गया है। नेक्स्ट 12 आवर्स में और क्या हो सकता है, वेटिंग गेम, ओके। तो आपके पर्सन किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, वहां से बाहर आने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेंगे। न्यू बिगिनिंग हो सकता है, पैशनेट रहेंगे आपके पर्सन। और जो भी डेविलिश एनर्जी है, जो भी कर्मिक एनर्जी है, जो भी आपके पर्सन को लगातार ट्रिगर कर रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, वहाँ से बाहर आने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का वाइब्रेशन है। चलिए देखते हैं, यहाँ से कुछ कार्ड लेते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग होने की चांसेस है आपके तरफ, कोई पॉजिटिव एक्शन, कोई गुड न्यूज आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। प्लीज इनको गाइड करें नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 12 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या आने वाला है। नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। बैलेंस आएगा, पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा, न्यू बिगिनिंग होगा, स्टेबिलिटी मिल सकता है आपको, कोई सॉलिड ऑफर आपको मिल सकता है नेक्स्ट 12 आवर्स। जो लोग ऑलरेडी एक दूसरे से मैरिड हो उनके पर्सन वापस आ सकते हैं। जो लोग अनमैरिड हो आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हैंग्ड है किसी सिचुएशन में। जैसे कि यहाँ पर ट्रैप्ड सिचुएशन आया है, वैसे इस डेक से हैंग्ड सिचुएशन आया है। और देखिए एट ऑफ सोर्स भी आ गए बॉटम से, सेम कार्ड नंबर 8, नंबर 8। तो किसी सिचुएशन में स्टक है आपके पर्सन ज़रूर, लेकिन आपको चोरी छुप के वो देखते रहते हैं, आपके लिए प्लानिंग करते हैं, रिग्रेट में है कि उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, और आपके साथ ही रियूनियन रिकॉन्सिलेशन आपके पर्सन चाहते हैं। तो इस तरीके का वाइब्रेशन है यहाँ पर। इस कार्ड को मैं नीचे लेके आ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कार्ड क्लैरिफाई करना है। लाइट के कार्ड क्यों आए हैं, कैसा एक्शन होने वाला है यहाँ पर, क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा। प्लीज एंजल गाइड करें। लाइट क्यों आए हैं, नंबर 19, लाइट क्यों आए हैं। इंडिपेंडेंट होके
कुछ डिसीजन लेंगे वो खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जजमेंट चाहते हैं, यहाँ पर जजमेंट की कार्ड है और यहाँ से भी जजमेंट है। तो कोई मेजर डिसीजन लेंगे आपके पर्सन, यही आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। उसके पहले वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो है वहाँ पर खुश नहीं है, हार्ट टेक एंड लॉसेस से गुजर रहे हैं और आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे थी, हैरोफेंट का कार्ड, ठीक है। तो आपके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यही उनका एक्शन होगा कि वो आपके तरफ शादी के कमिटमेंट लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग विद द एस ऑफ पेंटिकल आए हैं। कब तक न्यू बिगिनिंग हो जाएगा? यस, कोई ना कोई जेस्चर वो आपको करेंगे, हाय हेलो कॉल मैसेज आ सकता है विथ विक्ट्री एंड दी लवर्स नंबर 6। ओके, तो यहाँ से टू ऑफ कप्स आया है, यहाँ से लवर्स विथ विक्ट्री। तो लव लाइफ में वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिस भी थर्ड पार्टी में है वहाँ से बाहर आएंगे। और नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 6 आवर्स के अंदर कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, गाइस रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूछा था कब तक रीयूनियन होगा, तो 6-6 के वाइब्रेशन यहाँ पर आए हैं। तो डेविल क्यों आया है, टेम्पटेशन की एनर्जी क्यों आया है? जिस भी डेविलिश एनर्जी में है वहाँ से केयर फ्री होकर बाहर आना चाहते हैं, दी फूल, ठीक है। जहाँ पर भी वो है खुश नहीं है वहाँ से केयर फ्री होकर बाहर आना चाह रहे, उस डेविल के साथ फाइट हो रहा है। देखिए 5 ऑफ बैंड्स 4 ऑफ सोर्स, जिस भी थर्ड पार्टी में वो है वहाँ पर फाइट हो रहा है। पॉजिटिव मोमेंट, कैसा पॉजिटिव मोमेंट लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, कैसा पॉजिटिव मोमेंट लेंगे? यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है, क्या पॉजिटिव मोमेंट यहाँ पर होगा? वेटिंग में है, देखिए इसके बाद वेटिंग गेम आया है और यहाँ से भी 3 ऑफ बैंड्स आए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे। यस, अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, कोई अदर पर्सन थर्ड पार्टी है, वो उनका कर्मा है, व्हील ऑफ फॉर्चून वहाँ पर खुश नहीं है, आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। 6 ऑफ कप्स और विथ टेम्परेंस, बैलेंस चाहते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके पर्सन। कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, वो खुद परेशान है। 9 ऑफ सोर्स, रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा डर है उनको, किसी ना किसी चीज़ का इल्यूजन है, डर है, कुछ ना कुछ उनको सता रहे हैं, ठीक है। कोई इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कुछ बर्डन है उनके ऊपर, कुछ बोझ है, तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन वो आपकी तरफ पैशनेट है। जहाँ पर भी है, जिस भी थर्ड पार्टी में है, वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर 9 ऑफ बैंड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ। यहाँ से किंग ऑफ बैंड्स भी आया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन एंड बहुत ज़्यादा लव एंड यहाँ पर फ्लटिशियस एनर्जी को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रोमांस आपके तरफ वो फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनके लाइफ में कोई ना कोई कन्फ्यूजन, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा है जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे, टाइम यहाँ पर लगेगा। कब तक इस ट्रैप सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं? 8 ऑफ बैंड्स, 8 को 8 ने क्लैरिफाई कर दिया है, 8 आवर्स के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है कुछ लोगों को। जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन ट्रैप्ड है वहाँ से बाहर आएंगे 8 आवर्स के अंदर। यस, पेज ऑफ सोर्स पाई करते हैं वो आपको। ओके, कॉल मैसेज आ सकता है बहुत सारे लोगों को 8 आवर्स के अंदर, तो ऐसा वाइब्रेशन है। चलिए दूसरे डेक से हम देखते हैं और क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में आने वाले 12 आवर्स के अंदर। प्लीज एंजल गाइड करें, 12 आवर्स के अंदर क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, 12 आवर्स के अंदर क्या हो सकता है आने वाले 12 आवर्स के अंदर, क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में 12 आवर्स के अंदर। मैच्योरली सोचेंगे आपके पर्सन, कोई पावरफुल डिसीजन लेंगे। अगर कोई सोसाइटी का इशू था, कास्ट कल्चर इशू था, कोई ट्रेडिशन का प्रॉब्लम था, ईगो का प्रॉब्लम था, एटीट्यूड का प्रॉब्लम था, तो वो एंड होगा। ग्रेट फॉर्चून आपके रिश्ते में, ग्रेट फॉर्चून आने वाले हैं गाइस। एक बुरे फेस एंड होगा, ओके। और बॉटम से देखिए दी लवर्स, ओके, यहाँ से भी लवर्स और यहाँ से 2 ऑफ कप्स,
यहाँ से लवर्स के कार्ड ऑलरेडी आए हुए हैं और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर यूनियन होगा गाइस आने वाले 12 आवर्स के अंदर। जो भी ईगो एटीट्यूड जिद्दीपन था, जो भी सोसाइटी का प्रॉब्लम था, कुछ ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स था, कोई मैच्योर पर्सन, उनके दादाजी नाना जी कोई भी थे जो कि आप ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए उनको फोर्स कर रहे थे, तो वो सिचुएशन यहाँ पर एंड होगा और आपके लव लाइफ में ग्रेट फॉर्चून आ रहा है। रियूनियन होगा अगर आप लोग सिंगल हो, यहाँ पर लीगल मैरिज, कोर्ट मैरिज हो सकता है। जिन लोगों का डिवोर्स का बातचीत हो रहा है या तो फिर कोई लीगल मैरिज चल रहा है वो शॉर्ट आउट हो सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन आ सकता है। और अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके पर्सन को रिसीव हो सकता है अगर उनका फाइनेंस के प्रॉब्लम चल रहे थे तो, या तो फिर जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न रह सकते हैं फाइनेंस को लेके, बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं, सोच सकते हैं फाइनेंस के बारे में। नेक्स्ट 12 आवर्स में और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के तरफ, स्पेशली लव लाइफ में क्या हो सकता है नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर, लव लाइफ में क्या हो सकता है नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर। बुके की एनर्जी है, रियूनियन होगा गाइस, गुड न्यूज़ रिसीव होगा। जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रहा था आपके लाइफ में वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, चेंज आएगा। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉसेस से गुजर रहे थे या तो फिर लाभ लाइफ में आप बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे थे, तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे। और देखिए यहाँ पर लाभ की एनर्जी है, बुके की एनर्जी है, लाभ की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो डेस्टाइन चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए और आपके पर्सन वापस आ रहे हैं गाइस। डेट पे आप लोग जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, कॉल मैसेज आने की पूरी चांसेस है। यहाँ पर फिर से बार्स की एनर्जी है, कुछ टाइम आप लोग बातचीत कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, मजाक मस्ती करना, घूमना फिरना, इस तरीके का भी यहाँ पर वाइब्रेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या करना चाहिए उनको, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो ऐसा आप चिंता करो, ऐसा आप काम करो जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे, क्रिएटिव रिजल्ट आप लेके आ सकते हो, या फिर खुद की जो सोच है आपका, जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको आपके फेवर में रिजल्ट लेके आए। ठीक है, इस तरीके का आप काम करो जो चीज़ आपको अपनी फेवर में रिजल्ट लेके आए। और जो भी आप चाहते हो उसको इमेजिन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। ठीक है, और जो आप चाहते हो उसको आप क्रिएट करो, बिल्ड करो, इस तरीके का गाइडेंस है आपको। मतलब जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसको डे ड्रीम करो, डे ड्रीम का मतलब आपको पता है ना, मतलब सोचना दिन भर, या फिर माइंड में इमेजिन करना, ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ मेरा है, इस तरीके से पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना। और जो भी आपके काम का रिजल्ट आपको रिसीव हो रहा है, जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो आपको अच्छा काम करना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए और खुद के हार्ट को ओपन रखना चाहिए जो भी आपका काम का रिजल्ट है उनको रिसीव करने के लिए। और दूसरों का हेल्प किया करें, जैसे कि मैं हर रोज बोलती हूँ हम लोगों को कि दूसरों का हेल्प किया करें ताकि आपको खुशी मिले और आपका जो बैड कर्मास है वो भी बैलेंस हो सके। और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करें। तो खुद को और ज्यादा निखारो, खुद को ब्यूटीफुल बनाओ स्वान की तरह, स्पिरिचुअली ग्रो करो, स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड विस्डम नॉलेज को गेन करो आप लोग,
या तो फिर कुछ लोग गेन कर रहे हो तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। जो भी आपको ड्रीम में गाइडेंस मिल रहा है, कुछ साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रहा है, उनको एक डायरी पे नोट डाउन करें और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपनी लाइफ का डेली पार्ट बनाएं आप, ठीक है। मेडिटेट करें, मैनिफेस्टेशन यूज करें, पॉजिटिव रहे, ग्रेटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को, गॉड को। तब जाके आपके आसपास के जो लोग हैं उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपको पता चल जाएगा। और जो भी इल्यूजन है, जो लोग भी आपको झूठ बोल रहे हैं, कुछ इल्यूजन के पीछे आपको रखे हुए हैं, सच क्या है सिचुएशन में आपको पता नहीं है। तो जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, जितना स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ोगे, तो ट्रूथ को आप जान पाओगे, हिडन ट्रूथ को आप जान पाओगे, लोगों की इंटेंशन को आप जान पाओगे। जो भी इल्यूजन में आप फंसे हुए हो, जो भी धुंध में आप फंसे हुए हो, जो चीज़ सच नहीं है लेकिन आपको लग रहा है वो सच है, आपकी आंखों के सामने आपके आसपास जो स्टोरी क्रिएट हुआ है वो स्टोरी सच नहीं है लेकिन आपको दिखाया जा रहा है कि वो सच है, तो यहाँ पर आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या कौन सी चीज़ें सच है, कौन सी सर्कमस्टेंसेस सच है और कौन सा झूठ है। तब जाके टाइम टाइम में आपको कुछ लोगों का सीक्रेट्स रिवील होता जाएगा, आपके सामने आता जाएगा, आपका नॉलेज विजडम इतना बढ़ जाएगा कि सीक्रेट भी बाहर आता जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा लोगों का सीक्रेट क्या है। आप जान पाओगे कि ये लोग जो बोल रहे हैं इनके पीछे सच्चाई क्या है, जो वो बोल नहीं रहे हैं, जो आप सुने नहीं हो फिर भी आप जान सकते हो इनका ट्रू इंटेंशन क्या है, इस बात के पीछे सच्चाई क्या है, जो वो आपसे छुपा रहे हैं, इन सारी चीज़ों से आपको पता चलेगा। और आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा, आपका अंतरात्मा आपको अंदर से गाइड कर देगा। तो मेडिटेट करें, स्पिरिचुअली आगे बढ़े और स्पिरिचुअल मतलब डिवाइन के ऊपर, गॉड के ऊपर फेथ रखें, ग्रेटिट्यूड शो करें, मैनिफेस्टेशन यूज़ करें। और इसको एक इंटेंशन सेट करें कि मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है और मेरी इंट्यूशन पावर को और बढ़ाना है, ठीक है। इसको आप खुद का डेली पार्ट बनाइए और इंटेंशन सेट करें कि ये काम को मुझे करना है, डेली पार्ट बनाइए, आपको बनाना होगा। इस तरीके का गाइडेंस है आपको कि बनाना चाहिए आपको, तब जाके आप क्लेवर बन पाओगे, आपको सबकी सच्चाई पता चलेगा और आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन पाओगे। तो गाइस ये था गाइडेंस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ये सारे जो तीनों गाइडेंस था मुझे बहुत पसंद आया है। और इसको फॉलो करें गाइस तो आपके लाइफ में, ऑल ओवर लाइफ में आपको ज़रूर जो है इम्प्रूवमेंट दिखेंगे, ठीक है। तो ये था आज के दिन में रीडिंग एंड गाइडेंस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे न्यू है। तो फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।